मेरे YouTube चैनल हिमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम पौने आस्तीन में डिज़ाइन कैसे निकालते हैं ये चीज़ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हमने ये पौना आस्तीन पहले से कट करके लिया है। तो हमने जो इसकी आस्तीन की लंबाई जो कट करके ली है वो 15 इंच है, और जो यहाँ की हाथ के साइड की चौड़ाई होती है कोहनी के पास की वो 5.5 इंच है, और प्लस जो हमने आर्मोल हमें जोड़ना आस्तीन की तरफ जोड़ा जाता है आर्मोल की तरफ वो हमने 8 इंच उसकी चौड़ाई ली है। तो हमने ये आस्तीन पहले से कट किया था। तो जो ये हमारा आस्तीन है ये नेट का कपड़ा है, इसमें हम साइनिंग वाला अस्तर लगा रहे हैं क्योंकि नेट की शोभा इससे साइनिंग वाले अस्तर लगाने से बढ़ जाती है। उसके बाद हमें क्या करना, इस तरह का 2 नेट कट करके लेना है। एक नेट की जो चौड़ाई है वो हमारी है देखिए 6 इंच, एक नेट की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, और दूसरे नेट की जो नेट है हमारी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 4 इंच, क्योंकि हमें जो आस्तीन निकालना है फ्रिल वाली आस्तीन निकालना है जो डबल फ्रिल वाली होती है। तो हमने ये 2 ऐसे नेट कट कर लिया, और जो इसकी लंबाई जो हमने ली देखिए हम ये फोल्ड करके रख रहे हैं कि अगर मैं लॉन्ग में रखूँगी तो वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो हमने डबल करके रखा है। तो इसकी जो हमें नेट की लंबाई जो लेनी है हमने नेट की लंबाई ली है 18, तो 18 × 36 हमें इसकी लंबाई इस तरह का 2 हमें नेट कट करके ले लेना है। देखिए ये हमने एक 4 इंच पे लिया है और एक हमने 6 इंच पे लिया, तो 2 नेट हमें इस तरह का कट करके लेना है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो ये अस्तर वाला अस्तर और ये नेट को दोनों को पहले जोड़ लेना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरह हम इसको रख के इसमें पहले टाचनी लगा देंगे। तो इस तरह पिन लगा के चारों तरफ से पहले हम चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई हमने इसलिए लगाया है जिससे हमारा नेट का कपड़ा आगे पीछे ना हो, और हमें यहाँ पर जो आस्तीन में डिज़ाइन निकालना है फ्रिल वाली डबल फ्रिल वो हमारा एकदम बराबर से हमारा डिज़ाइन निकले। तो हमने देखिए अस्तर और नेट को दोनों ज्वाइंट कर लिया है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब जो हमने नेट कट किया था अब हमें इसमें फ्रिल निकालना है, तो फ्रिल निकालने के लिए हमें ये फोल्ड नहीं करना है, हम क्या करेंगे खुला फ्रिल हमें बनाना है। जो लॉन्ग फ्रिल निकला है आजकल मार्केट में हम वो फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए हमें इस तरह इसे मोड़ मोड़ के इस तरह हमें फ्रिल तैयार करना है। तो चलिए फ्रिल तैयार देखिए इस तरह हमें क्या करना है, ऐसे रख रख के इस पर सिलाई लगा के हमें फ्रिल को तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे मोड़ना है। देखिए हमने एक फ्रिल इस तरह हमने तैयार कर ली है, जो कि हमें खुला फ्रिल सिलाई करना है, एक साइड सिलाई नहीं करना है, तो हमने कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरा भी जो 4 इंच का हमने नेट लिया था इसी तरह हमें दूसरा भी तैयार कर लेना है। देखिए हमने दोनों फ्रिल बना के तैयार कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इस आस्तीन को लेना है और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा छोटा वाला फ्रिल है हमें क्या करना है, इस आस्तीन को जो नेट का कपड़ा है, देखिए ये नेट का कपड़ा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो छोटे वाले जो फ्रिल को है पहले हमें इसमें अटैच करना है। इस तरह हमें रख के इसके ऊपर सिलाई रख करना है, जो हमारे पौना आस्तीन के पार्ट इधर हमें देखिए इधर सिलाई करना है इस तरह रख के। सबसे पहले हम छोटा वाला फ्रिल इसमें जोड़ेंगे, बाद में हम इसके ऊपर बड़ा वाला फ्रिल जोड़ेंगे। तो चलिए इस तरह हम रख के सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने छोटी वाली फ्रिल पहले इसको जोड़ ली है, अब हमें इसी के ऊपर बड़ी वाली जो फ्रिल हमने 6 इंच वाली कट की थी अब हमें इसके ऊपर उसी तरह इसको जोड़ना है। देखिए इसी तरह हमें सीधे की तरफ ही जोड़ना है, छोटी फ्रिल के ऊपर ही हमें बड़ी फ्रिल को इस तरह रखना है। जिस तरह हमने छोटी फ्रिल को रख के सिलाई किया उसी तरह हमें बड़ी फ्रिल को इस तरह रख के सिलाई करना है उसी के ऊपर।
देखिए हमने दूसरी फ्रिल भी जोड़ ली है, ये हमारी बड़ी वाली फ्रिल और ये हमारी छोटी वाली फ्रिल। तो अब हमें क्या करना है, इस फ्रिल को इस तरह ऐसे कर देना है, हाथ से प्रेस करके इधर करना है। अब क्या करना है, जो हमारा देखिए सिलाई दिख रहा है ना, उसे हमें क्या करना है, इस तरह इसको अंदर की तरफ जहाँ हमारा ये अस्तर का कपड़ा लगा है उल्टा करके हमें अंदर की तरफ इस तरह दबा के इसको एक सिलाई यहाँ और दूसरी सिलाई जो हम ये सीधे की तरफ है दूसरी सिलाई इस तरह हमें दबा के एक सिलाई ये फ्रिल के ऊपर इधर देना, एक सिलाई इधर देना, ताकि जो हमारा नीचे का कपड़ा है ना जो सिलाई हमने दी वो दब जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर हम दो सिलाई दे देते हैं। देखिए हमने एक दाब सिलाई और एक सिलाई इधर हमने दे दिया है। अब हमें इसके ऊपर एक लेस लगा लेना है। आपके पास कोई भी लेस है तो आप लगा सकते हैं। मैं इस तरह पर इस पर एक लेस हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह इस पर रख के जो हमने सिलाई डबल दी थी उसी के ऊपर हमें यहाँ पर एक लेस लगा देना है। देखिए हमने लेस लगा लिया है। इस तरह हमारा ये सीवेस में डिजाइन बन के तैयार हो गया है। और ये मार्केट में आजकल ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा चला है। देखिए कितना खूबसूरत हमने डिज़ाइन बना के कम समय में तैयार किया है। इस तरह आप डिज़ाइन अपने सिविल्स में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो ये जॉइंट खुला पार्ट है हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह हमें क्या करना है, इसको अंदर की तरफ जो सीधा कपड़ा है अंदर की तरफ और ये कपड़ा जो है हमें उल्टे की तरफ हम इधर रख के जॉइंट करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लिया है, अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए हमने अब इसको यहाँ पर सीधा कर दिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हुआ है। आप जिसे भी ये वीडियो जो भी पहली बार देख रहा है, देखिए इस तरह हमने डिज़ाइन बनाया है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच करेंगे तो आपको ये सस्ती में जो डिज़ाइन निकालना है वो आप आसानी से सीख सकते हो। तो एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये सीरीज़ की डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।